नमस्कार दोस्तों, गौतम ऑटोमोबाइल में आपका स्वागत है। तो देख सकते हैं कॉप कंपनी का हमारे पास स्प्रे पेंट है, ऑरेंज रेड दो पीस मैंने ले लिया है। तो देख सकते हैं इस गाड़ी को मैंने कुछ मॉडिफाई करने का कोशिश खुद से किया है। देख सकते हैं मैंने पूरा काफ़ी, ये गाड़ी 15-16 साल पुरानी गाड़ी है। आप नंबर इसका देख सकते हैं, इसका नंबर आपका BR1AH6175 है। तो इसे मैंने कुछ काफ़ी दिनों से कबाड़ी की तरह हमारे पास ये पड़ा हुआ था, तो इसे हमने बना करके और खुद यूज करने का सोचा है। तो देख सकते हैं आगे का लुक, आप देख सकते हैं इस तरह का मैंने रखा। ये यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये आपका सिटी डिलक्स का हेडलाइट लगवा दिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वाइजर है जो आपका FZ में आता है उस तरह का मैंने, और यहाँ पे मैंने अपना लोगो डलवाया है दोस्तों। देख सकते हैं जो यूट्यूब पर हमारा चैनल है गौतम ऑटोमोबाइल का, और यहाँ पे देख सकते हैं आप मैंने फेसबुक का आईडी डलवाया है। देख सकते हैं गौतम ऑटोमोबाइल के नाम से हमारा फेसबुक पर आईडी है। तो चलिए आप देख सकते हैं इसका लुक कैसा आ रहा है। देख सकते हैं ब्लैक में एकदम मैंने पूरा कर दिया है। पीछे का आप देख सकते हैं ब्लू टाइप का है। तो क्या करते हैं, इसके व्हील जो है दोनों बिल्कुल बेकार लग रहा है, तो क्या करेंगे इसे हम ऑरेंज करके आपको और दिखाते हैं कि कैसा हमारा दिखता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप मैंने जहाँ पे पपड़ी जैसा कवरा हुआ था वहाँ पे मैंने सरस पेपर का यूज करके इसे क्लीन कर लिया है, और उसके बाद इसे पूरे चक्के को क्लीन कर देंगे। इस बिना बेडआउट ओपन किए हुए हम इसे आपको कलर करके दिखाते हैं। उसके बाद कपड़े से बिल्कुल अच्छी तरह से इसे इस तरह से हमें सफाई कर लेना है ताकि कहीं पर डस्ट वस्ट ना हो। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कलर करके कैसे करना है। तो देख सकते हैं इस तरह से लेकर के आपको, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए पीछे चलते हैं और पीछे वाले आपको दिखाते हैं। चलिए ये पीछे वाला व्हील है हमारा, तो इसे भी थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, और क्लीन करने के बाद उसके बाद इसमें यूज कर, तो देख सकते हैं ये इसमें थोड़ा हल्का बचा हुआ था तो पहले इसे यूज कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दूसरे वाले को मैंने ओपन कर लिया, और एक बार इसे ऐसे आपको, चलिए इसके सोकर को भी हम रेड कर देते हैं क्योंकि इसका सोकर भी रेड होता है। तो चलिए हम पीछे का सोकर जो होता है इसका, तो देख सकते हैं आप गाड़ी का लुक कैसा आया है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। देख सकते हैं ये पूरा का पूरा मैंने पूरी गाड़ी को इस तरह से कलर कर दिया है। आप भी अपने घर पे कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अगर आपका किसी भी तरह का किसी भी बाइक का अगर कलर चला गया हो, पेंट चला गया हो दोस्तों, तो आप आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।